एशिया में पावर हब की शक्ल में मशहूर सिंगरौली की चर्चा फिर देश विदेश में है। सिंगरौली में कोयले के बाद दो जगहों पर गोल्ड मिलने से खनिज विभाग को हर साल करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू प्राप्त होता है। पूरे एशिया में कोयला खदान और पावर प्लांट हब की शक्ल में मशहूर सिंगरौली में GSI के सर्वे के बाद सोने की खदानों की खोज की गई है, जिसके बाद भोपाल से दिल्ली तक चर्चा जोरों पर है। सिंगरौली से 75 किलोमीटर दूर चितरंगी तहसील के दो जगहों पर सोने की खदानों का सर्वे होने के बाद चकरिया गोल्ड ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जिसमें से 1.5 से 2 मिलियन टन गोल्ड खनिज निकलेगा, जिससे माइनिंग विभाग को हर साल करोड़ों की रेवेन्यू मिलेगी। चितरंगे में ही दूसरी खदान गुरार पहाड़, जो सिलफोरी सिधार गांव के बीच है, इस 147 हेक्टेयर जमीन पर 7.9 मिलियन टन गोल्ड खनिज मिलने के आसार हैं। इस खदान की नीलामी के लिए प्रक्रिया जारी है, जल्दी ये खदान शुरू हो जाएगी। दोनों खदानों में पूरी जमीनें फॉरेस्ट और रेवेन्यू की हैं, जिससे विस्थापन मुआवजा जैसा कोई मामला नहीं है। बहरहाल जिले में सोने की खदान मिलने से सिंगरौली पावर हब के साथ ही सोने की खदान के लिए भी मशहूर हो रहा है। तहसील चितरंगी में पूर्व में एक चकरिया गोल्ड ब्लॉक मिला है, जिसकी गवर्नमेंट ने नीलामी भी किया है, और उस गोल्ड ब्लॉक से हमको 50 साल तक अनुमानतः 5 से 6 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रॉयल्टी प्राप्त होगी। साथ ही साथ एक दूसरा गोल्ड ब्लॉक जो GSI ने वहाँ पे सर्वे किया है, एक गुरार पहाड़ है चितरंगी तहसील में है, ये दो गाँव के बीच में है, सिलफोरी और सिधारी गाँव में। यहाँ पे 147 हेक्टेयर भूमि पे इस ब्लॉक की जो भी है कहना चाहिए कि सूचना GSI के द्वारा दी गई थी, उसमें भी जांच करके फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।